यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहे हैं। होमवर्क नहीं मिला था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जाएंगे घूमने के लिए नैनी सैनी के टॉप पे, और बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अच्छा अच्छा व्यू दिखाएंगे। आज जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से टॉप पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखेंगे। फिलहाल अभी हम चंडाक के टॉप पे हैं, तो अभी आपको यहाँ से नैनी सैनी का व्यू दिखाएंगे। तो यार वक्त आ गया यहाँ से निकलने का, अब हम यहाँ से निकलते हैं अभी। तो नीचे पे मेरी स्कूटी खड़ी है, जाते हैं स्कूटी के पास और उसको स्टार्ट करते हैं और जाते हैं। तो अभी हम इस जगह पे हैं जो कि काफ़ी प्यारी है, और ये चंडाक का रास्ता है ऊपर को जाने का, और यहाँ से हम वापस जाएंगे अभी। अब देखो तो यार बस हम उल्का देवी पहुँचने वाले हैं। ये जो मंदिर है ये कई पुराना मंदिर है और इसके अंदर काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम अंदर तो नहीं जा सकते, पर बाहर से आपको इसका व्यू दिखाएंगे। ये तो यार अभी हम लोग भीड़ में पहुंचे हैं और हम अभी शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो को, तो आपको दिखाते रहेंगे कहाँ कहाँ पे फेमस वो है। बट अभी तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। एक KTM का शोरूम है आगे जो बहुत प्यारा है यार, ड्रीम बाइक। तो यार आगे पे पेट्रोल पंप है, अब यहाँ से पेट्रोल डलाना है पहले, उसके बाद ही जा पाएंगे ऊपर को, क्योंकि गाड़ी पे पेट्रोल थोड़ा कम है। तो पेट्रोल डलाते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे। तो यार ये है APS वाला पेट्रोल पंप जो है वड्डा रोड पे। तो यहाँ पे तेल बहुत अच्छा मिलता है, तो हम यहीं से डलाते हैं ज़्यादातर तेल। तो यार अभी हम पिथौरागढ़ की फेमस रोड पे आ चुके हैं। ये APS रोड है जो सबसे ज़्यादा सीधी रोड है यहाँ की, और जगह पे तो बहुत सारे मोड़ हैं, बट ये रोड बहुत सीधी है, मतलब काफ़ी मज़ेदार रोड है। इस रोड के ऊपर पे जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वो लिटरली इतना बड़ा स्कूल है ना, मतलब अंदर अगर आप विजिट करोगे तो पूरा आपको 1 या 2 घंटे लगेंगे स्कूल को घूमने में, मतलब इतना बड़ा है और काफ़ी मज़ेदार। तो यार एक छोटा सा ब्रेक लिया है, समोसा खा के आते हैं पहले। ये हम यहाँ पहुँचे अभी APS के स्कूल के पास। भैया 4 समोसे पैक कर दो यार। तो यार आज ये पैक कराए हैं, आज खाया नहीं, आज पैक कराए, ऊपर ही खाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं अभी। तो यार अभी हम रॉयल सिनेमा के पास में पहुँचने वाले हैं, आगे जो सिनेमा हॉल है वहाँ पहुँचने वाले हैं, और आपको दिखाते हैं व्यू। अंदर तो शायद नहीं जा पाएंगे हम, बाहर से ही दिखाएंगे आपको व्यू, कि अंदर जाने के लिए टिकट लगता है और टिकट हमारे पास है नहीं। और ये यहाँ का व्यू तो कहीं प्यारा है यार, बट आज जो ये किनारों किनारे पे बादल लगे हैं ना, इसकी वजह से ढक गया है वो, नहीं तो लिटरली कहीं प्यारा लगता है। वो जो माउंटेन्स दिखते हैं ना बर्फ़ वाले, वो कहीं प्यारे दिखते हैं, आगे से दिखाते हैं आपको अगर दिखते हैं तो। तो यार अब हम जस्ट पहुँचने वाले हैं अपने उसके पास, रॉयल सिनेमा के पास। तो ये रहा वो, शायद आज कोई मूवी लगी है। तो यार ये पूरा हॉल है, काफी बड़ा है ये भी। अंतिम पता नहीं आज कौन सी मूवी लगी है इधर पे, 2-3 बोर्ड लगाए हैं इधर तो, बट अंदर जाकर ही पता चलेगा। शायद 2 मूवी लगी होंगी, क्या पता एक सुबह एक शाम को आएगी, बट अपने मतलब का कुछ नहीं है इधर क्योंकि हम देखते ही नहीं है मूवी, हमारे पास टाइम ही नहीं है मूवी देखने का। तो हम नैनी सैनी एयरपोर्ट के पास पहुंच गए हैं। तो ये एयरपोर्ट है इधर, इधर से अंदर एयरपोर्ट, अंदर जाना, अंदर तो जाने नहीं देंगे ये लोग अभी हमें, तो ऊपर से दिखाते हैं आपको व्यू। तो ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाना है एयरपोर्ट के लिए। तो यार अभी हम हैं एयरपोर्ट के जस्ट ऊपर वाली रोड पे, ये अंदर एयरपोर्ट है, अंदर तो जाने नहीं देंगे हम यही। तो यार अब हम अंदर वाली रोड पे जाएंगे, यहाँ से एक रोड इधर है और एक रोड इधर है। फिलहाल हम अभी ऑन द वे है, बस इसी रास्ते से आगे को जाना है हमने अभी। तो यार गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं, बस ये रास्ता है हमारे आगे, बस थोड़ा ही बचा है, ऑन द वे अभी और हम थोड़ा ही बचा है बस, मतलब बस पहुंचने वाले हैं लिटरली। तो यार गाइस अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, मतलब टॉप में है अभी हम इस जगह के, थोड़ा और बचा है जाना, बस इतना ही बचा है बस। ये दो, ये जो रोड है ना, इस वाली रोड को क्रॉस करके ऊपर पे बैठना है हमने, यहाँ पे बैठना है
और जो ये आपको सामने पे दिख रहा है ये कामाख्या है गाइस, सामने वाला जो मंदिर है। इतना साफ तो नहीं आ पा रहा इस पे क्योंकि अभी यहाँ पर पे अपनी स्कूटी रोकी है और यहाँ पर से खाली थोड़ा शूट कर रहे हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, ऊपर पे मतलब अनलिमिटेड ये उड़ रहे हैं ये ईगल। तो अब यहाँ से चलते हैं, थोड़ा बचा है और ऊपर पे पहुँच के दिखाते हैं आपको फिर सीन। तो यार जहाँ पर पे अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ से मतलब नीचे का व्यू इतना प्यारा दिख रहा है यार, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। इतनी ठंडी हवा आ रही है ना इधर, मतलब लिटरली इतनी ज़्यादा ठंडी हवा, इतने कपड़े पहनने के बाद भी मतलब अंदर तक ठंडा हो रहा है। ये जो सामने पे आपको दिख रहा है ये एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट वाला है ये रास्ता जो अभी जहाँ से अभी हम आए, और बाकी आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ जहाँ भी हम जाने वाले हैं। तो ये है ऊपर का व्यू, अभी आपको बोला था ना बहुत सारे ईगल दिख रहे हैं, तो वो ऊपर टॉप पे देखो मतलब लिटरली इतने सारे ईगल उड़ रहे हैं ना एक साथ, उसके इस पहाड़ के पीछे चले गए हैं कुछ, मतलब ये आ गए कुछ आ गए बाहर। यहाँ से कुछ व्यू इस टाइप का दिखता है, मतलब यहाँ से लिटरली जो मौसम और जो हवाएं यहाँ एक साथ इतना प्यारा है ना, मतलब हवाएं तो काफ़ी ठंडी आ रही है इधर पे, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं जहाँ हमको पहुँच जाना था, और यहाँ पे भी मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया है, और ये रास्ता हमको ऊपर बैठना है टॉप पे, यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पहले नीचे से। तो मेरा फ्रेंड तो चले गया है आगे, अब यहाँ से अपना हेलमेट उठाता हूँ और मैं भी जाता हूँ। ये मैंने अपना हेलमेट उठा लिया, आगे को आगे का व्यू दिखाता हूँ। लिटरली कई प्यारा है यार, मतलब जो हमको अपनी आँखों से दिख रहा है ना यहाँ पे, मतलब जो जो हवा हम महसूस कर रहे हैं मतलब वो इतनी प्यारी है ना। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बट आपको दिखेगा नहीं, वो नीचे वो जो मंदिर है वो ऊपर है यार, ऊपर बहुत ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए, और ऊपर जाना पड़ेगा तो हम वहाँ नहीं जा रहे अभी। इनको देखो कितने मज़े में घूम रहे हैं। और ये जो नीचे गांव है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, अभी ऊपर से तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, नीचे से तो मतलब उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब देखने से अजीब लगता है, लेकिन ऊपर जब हम आते हैं ना, ऊपर से जब नीचे का व्यू देखते हैं तो काफ़ी प्यारा लगता है यार ये। और जो ये रोड ऐसे जाते हुए दिख रही है हमको, मतलब इस इन खेतों पे कितने प्यारे खेत हैं यार ये लिटरली। स्पॉट मिल गया है, हम यहाँ पे बैठेंगे, वो मेरा फ्रेंड गया है वहाँ पे बैठा है, इसका सर दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये है हरा पहना है उसने, तभी बेचारा दिख नहीं पा रहा है अच्छे से। तो मैं भी जाता हूँ उसके पास पे और वहाँ पर से थोड़ा आपको सीन दिखाता हूँ फिर। तो यार मैं आ गया हूँ यहाँ पर पे अभी, जहाँ पे अभी हमें बैठना है, मतलब काफ़ी प्यारा है यार सीन तो यहाँ पर से ना, मतलब ये देख लो यार, आप खुद ही देख लो यार, इतने गंदे सीसे फोड़े हुए हैं कि चलना मुश्किल है यार यहाँ पर पे, ये नेचर के साथ खेलना मतलब अच्छा नहीं है यार, क्या बता आपके पैर पे लग जाए हमारे पैर पे लग जाए, तो प्लीज़ यार अवॉइड करो यार ये चीज़ें प्लीज़। इतने सारे डस्टबिन्स हैं यार उस पर फेंक लिया करो यार, बट ऐसे प्लीज़ यार नेचर के साथ खेलना मतलब गलत है यार, इतना अच्छा नेचर है बट उसके साथ हम लोग खेल लेते हैं, और कूड़ा करकट सब इधर ही फेंक रखा है लोगों ने, मतलब बहुत गंदा बना रखा है इधर पे। तो यही कहूँगा कि मतलब यार थोड़ा ध्यान दो यार इन चीज़ों पे भी, क्योंकि जो जंगली जानवर है उनके पैरों पे अगर ये लग गए तो उनको कितनी तकलीफ़ होगी यार इन चीज़ों से। हमें जब थोड़ा सा लग जाता है तो हम सीधे हॉस्पिटल जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और चीज़ें भी हम करते हैं, लेकिन जो जंगली जानवर है उनके पैरों पे अगर चोट लग गई तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा यार, खुद ही सोचो एक बार इस चीज़ें, आप लोग प्लीज़ अवॉइड करो। बस यार अब चलते हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पर पे पार्क है, अब निकलते हैं यहाँ से, घर का टाइम भी हो गया है और अब और भी काम है हमको थोड़ा, तो चलते हैं यहाँ से। और बस यही दिखाना था आपको व्यू थोड़ा, जो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ द टॉप पे, इसके सबसे टॉप पे आए हैं अभी हम लोग। तो यार शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं इन चीज़ों से, शीशे वीशे जो फेंके हुए हैं हर जगह पे यार, रोड पे भी मतलब काफ़ी सारे शीशे फोड़े रहते हैं काफ़ी लोग। तो यार देखो हम तो इलाज करा लेते हैं यार अपना, आप लोग समझ गए होंगे ना यार कि मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन चीज़ों से हमको, और तो यार और लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई सारी गाड़ी इसके टायर पंचर हो जाते हैं इन चीज़ों से, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्लीज़ यार अवॉइड करो।
तो यार गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।